बच्चों आज की क्लास में हम लोग यूनिट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में डिस्कशन करेंगे एथिलीन के रासायनिक गुणों का। और पिछली क्लास में भी उन्होंने रासायनिक गुणों के केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट किए थे और आज और कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको पढ़ेंगे सीखेंगे और यहां से आज एमाइन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो अगला रिएक्शन इसका हैलोजिनेशन कहलाता है, इसे हैलोजनीकरण कहते हैं। आप जानते हैं कि हैलोजन्स को सामान्य प्रतीक चिन्ह एक्स से प्रदर्शित करते हैं और इसके अंतर्गत क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन मेन एलिमेंट्स हैं और यहां इस एमीन के लिए एथिल एमीन के लिए क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन होता है। जब क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो अभिक्रिया क्लोरीनकरण कहलाती है क्लोरीनेशन, और जब ब्रोमीन से कराते हैं तो ब्रोमिनेशन या ब्रोमीनीकरण कहते हैं। इसका सामान्य समीकरण किसी प्राथमिक एमीन की क्रिया RNH2 की क्रिया वीक बेस जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसकी एक्वस फॉर्म ले लें और हैलोजन से रिएक्ट करें तो एक हाइड्रोजन एक हैलोजन HX के फॉर्म में रिप्लेस होगा और प्रोडक्ट बनता है RNHX और ये कहलाते हैं एन हैलो एल्किल एमाइन। और जब इन्हें पुनः हैलोजनीकरण करते हैं द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 एक्वस फॉर्म तब एक हाइड्रोजन एक हैलोजन HX के रूप में पृथक्करण करता है और लास्ट प्रोडक्ट बनता है RnX2 और तब ये कहलाते हैं एन डाई हैलो एल्किल एमीन। तो इस हैलोजनीकरण रिएक्शन का ये कॉमन कॉन्सेप्ट था और अब चलते हैं इनके दोनों के एग्जांपल लेते हैं, पहले क्लोरीनेशन और फिर ब्रोमिनेशन। तो एल्किल एमाइन के स्थान पर एथिल एमीन, चूंकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एथिल एमीन, सो C2H5NH2 इसे NHH लिख सकते हैं और प्रेजेंस रखते हैं क्लोरीन की Cl2 डाइटॉमिक फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 एक्वस फॉर्म एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का सब्स्ट्रक्शन करता है HCl बना करके और प्रोडक्ट देता है C2H5 NH और Cl। इसे नॉमिनेट करते हैं एन क्लोरो एथिल एमीन। इस बने हुए प्रोडक्ट का फिर से क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2 से इन द सेम प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 जो कि एक्वस फॉर्म में है और वीक बेस है, एक हाइड्रोजन फिर एक Cl के साथ HCl रिप्लेस करता है और अंतिम उत्पाद के रूप में C2H5NCl2 का निर्माण करता है और इसे नॉमिनेट करते हैं एन डाइक्लोरो एथिल एमीन। इसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल करते हैं ब्रोमिनेशन वाला C
C2H5NH2 एथिलेमाइड रिएक्ट कराते हैं इसका ब्रोमीन से Br2 से, सेम प्रेजेंस Na2CO3, इट इज इन द एक्वस फॉर्म ऑफ वीक बेस। हाइड्रोजन इस ब्रोमीन का पृथक्करण करता है HBr के द्वारा और प्रोडक्ट बनाता है C2H5NHBr और इसका नाम होगा N ब्रोमो एथिलीन। और जब इसका पुनः ब्रोमिनेशन कराते हैं Na2CO3 की प्रेजेंस में तो ये एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन एटम HBr बनकर पृथक होते हैं और अंतिम उत्पाद बनता है C2H5NBr2 और इसे नॉमिनेट करते हैं N डाइब्रोमो एथिल एमीन। तो इस तरह से एथिल एमीन हैलोजनीकरण की अभिक्रिया पूर्ण करता है। अगला रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षण के रूप में भी पूछा जाता है और नॉमिनेटेड रिएक्शन के रूप में भी पूछते हैं और ये रिएक्शन है कार्बिन एमीन अभिक्रिया। कार्बिन एमाइन रिएक्शन या इसको इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण। और चूंकि बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आइसोसाइनाइड फॉर्म में होता है और इसी आइसोसाइनाइड फॉर्म को ही कार्बिन एमीन कहते हैं और कार्बिन एमीन एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नॉमिनेशन किया गया है कार्बिन एमीन रिएक्शन के रूप में। पहले तो इस रिएक्शन का कॉमन कॉन्सेप्ट कि जब कोई प्राथमिक एमीन RNH2 की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और कास्टिक पोटाश है KOH। जब इन दोनों से कराते हैं तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड देता है RNC और इसी प्रोडक्ट को नॉमिनेट करते हैं आइसोसाइनाइड के रूप में और ये कार्बिन एमीन के रूप में और ये एक प्रकार का दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है। जबकि इस रिएक्शन से पोटेशियम क्लोराइड KCl और वाटर मॉलिक्यूल H2O का सबस्ट्रक्शन हो जाता है और बैलेंस करने के लिए 3-3 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ क्लोरीन के एटम 3। तो ये कार्बिन एमीन अभिक्रिया का सामान्य समीकरण है। अब चूंकि हम लोग यहाँ एथिलेमीन के संदर्भ में इसको पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ एथिलेमीन का ही रिएक्शन समझते हैं। RNH2 की जगह लेते हैं C2H5NH2 एथिलेमीन और इसका रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और कास्टिक पोटास KOH, सेम बैलेंस होगी। इसको हीट करेंगे और हीट करने पर यह दुर्गंधयुक्त पदार्थ बनाता है एथिल आइसोसाइनाइड C2H5N CCC। इसे नॉमिनेट करते हैं एथिल आइसो साइनाइड या कार्बिन एमीन और ये एक प्रकार का दुर्गंधयुक्त पदार्थ है। और सबस्ट्रक्शन करता है पोटेशियम क्लोराइड KCl और वाटर का। तो बच्चों इस तरह है, इस अभिक्रिया को कार्बिन एमीन अभिक्रिया कहते हैं और चूंकि आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं इस अभिक्रिया से इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन भी नॉमिनेटेड रिएक्शन है और इसे कहते हैं तापमान मस्टर्ड डायल रिएक्शन। इस अभिक्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट की स्मेल या ऑडर मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, जिसके कारण इस अभिक्रिया का नॉमिनेशन करते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन या हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। जब एथिलेमाइड की क्रिया C2H5NH2 की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड CS2 और मर्क्यूरी क्लोराइड से कराते हैं HGCl2 से, सो ये रिएक्ट करके C2H5NCS इसका नॉमिनेशन करते हैं एथिल आइसो थायोसाइनाइड। का निर्माण करता है और साथ में HGS का पृथक्करण करता है विथ HCl। तो इस तरह से ये अभिक्रिया एथिल आइसोथायोसाइनाइड का फॉर्मेशन करती है, जिसकी गंध मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, तब इसे तापमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं थी एथिलीन की विशेष रासायनिक गुणों के रूप में और एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में। अब डिस्कशन करेंगे एथिलीन के यूजेस का और इसके बाद यहाँ से हम लोग एमाइन टॉपिक यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में पहला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे एमाइंस का और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक एमाइन और उसका प्रोडक्ट है एनिलीन। तो आइए जान लेते हैं कि एथिलीन के कौन कौन से प्रमुख उपयोग हैं। एथिल एमीन के उपयोग यूजेज ऑफ C2H5NH2। एथिल आइसोसाइनाइड के निर्माण में ग्रिग्नार्ड अंतर्गत से क्रिया करा करके एल्केनों के निर्माण में हेलोजनीकरण की अभिक्रिया द्वारा हेलोजनीकृत उत्पाद बनाने में आइसोसाइनाइड परीक्षण हेतु इसका प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ एल्किल हैलाइडों के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों ये महत्वपूर्ण उपयोग है एथिलीन का।